हेलो आईफोन यूजर्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल सन्नी कैप्चर। दोस्तों ये है मेरे पास आईफोन 11 और इसमें मैंने इंस्टॉल कर रखा है iOS 18 का अपडेट, जिसको अपडेट करने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने के मिल रही है मेरे को मेरे आईफोन 11 में। और दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग इन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं और जानेंगे क्या सोल्यूशन हो सकता है इन सभी प्रॉब्लम्स का। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। और दोस्तों चैनल पर आप लोग पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के साथ। तो यहाँ पर जो सबसे पहली प्रॉब्लम देखने के मिली है मेरे आईफोन 11 में, तो वो है यहाँ पे लैग प्रॉब्लम। जब भी मैं कुछ भी यहाँ पे कस्टमाइज करता हूँ, लाइक यहाँ पे हम लोग कुछ भी कस्टमाइज कर लेते हैं, लाइक यहाँ पे हम लोग कुछ भी यूज़ करते हैं, उसके बाद यहाँ पे जब भी आप लोग ऐप्स में स्विच करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को हल्का सा लैग देखने के मिलेगा, जहाँ पे ये स्क्रीन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, थोड़ा बहुत लैग देखने के मिल रहा है। दोस्तों अगर आप लोगों को भी ये लैग देखने के मिल रहा है तो कमेंट्स में बताना। दोस्तों बात करें यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम की जो मेरे को देखने की मिली है, वो यहाँ पे कॉल के टाइम यहाँ पे मैं कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे मैं जब भी अपने कॉल को आंसर करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे वो स्वाइप नहीं होता है और यहाँ पे कॉल एंड हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम मेरे को देखने की मिली है, मैं अपने कॉल्स को रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो यहाँ पे थर्ड बिग प्रॉब्लम है वो है यहाँ पे ओवरहीटिंग की। तो यहाँ पे मेरे को ओवरहीटिंग का इशू देखने की मिल रहा है मेरे आईफोन में। यहाँ पे मैं कोई भी टास्क करता हूँ, यहाँ पे अगर इंस्टाग्राम भी यूज़ करता हूँ या फिर यूट्यूब प्ले करता हूँ, तो मेरा आईफोन 11 काफ़ी ज़्यादा हीट होने लग जाता है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम देखने की मिल रही है। तो यहाँ पे बात करें लास्ट प्रॉब्लम की, तो वो है यहाँ पे बैटरी की प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं अपने आईफोन को यहाँ पे बहुत जल्दी चार्ज कर रहा हूँ, बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा नहीं निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा बैटरी की प्रॉब्लम देखने के मिल रही है। लाइक आप लोग यहाँ पे ग्राफ देख ही सकते हैं, तो यहाँ पे बैटरी काफी ज्यादा यहाँ पे डाउन हो चुकी है। बहुत जल्दी यहाँ पे मेरे आईफोन 11 में बैटरी ड्रॉप देखने के मिल रहा है आफ्टर इंस्टॉलिंग iOS 18। तो दोस्तों बात करें यहाँ पे सॉल्यूशंस की, तो सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला सॉल्यूशन हो सकता है आप लोगों के लिए, वो है यहाँ पे डाउनग्रेड करना iOS 17.5 पे। तो दोस्तों आप लोग डाउनग्रेड कर सकते हैं iOS 17 पे। तो दोस्तों यहाँ पे जो थर्ड सॉल्यूशन हो सकता है कि आपके आईफोन में आप लोग हैवी टास्क ना करें, इस वजह से भी यहाँ पे आप लोग को ये सारी प्रॉब्लम देखने की मिल सकती है आपके आईफोन 11 में। दोस्तों ये थी सभी सारी प्रॉब्लम्स जो कि मेरे को मेरे आईफोन में देखने की मिली है। बट एक यूजर का कमेंट भी आया था, उन यूजर को भी उनके आईफोन में देखने की मिल रही थी ये सारी प्रॉब्लम। तो दोस्तों जो मेरे को प्रॉब्लम देखने की मिली तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। दोस्तों अगर आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम देखने की मिल रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों ये था एक क्विक वीडियो इस iOS 18 के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा या फिर इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल पर आप लोग पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मैं मिलता हूं तुम्हें एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए।